आपको इल्म है कि गुज़िश्ता हफ्ते में लाहौर में लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम रूल ऑफ लॉ पे कन्वेंशन था जिसमें उन्होंने मुझे मदु किया था और मैं इस सिलसिले में अपनी गाड़ी में चंद साथियों समेत गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो कन्वेंशन जारी था और कोसा साहब की तकरीर ख़त्म हुई तो उन्होंने मुझे मदु किया। एतज़ाद अहसन साहब भी तशरीफ़ लाए थे, दीगर सीनियर वकला साहिबान भी मौजूद थे। मैंने कन्वेंशन से ख़िताब किया और जिसके बाद IELF के हमारे मरकज़ी सदर सैयद शादाब जाफरी साहब ने और ज़ुबैर कसाना साहब जो हमारे पंजाब के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने मुझे मदु किया था गुफ्तगू के लिए और एक कप चाय के लिए। वहाँ से फारिग होने के बाद मीडिया से कुछ गुफ्तगू हुई और जब मेन रास्ते से जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी थी उस गेट के नज़दीक था तो इतलाई के बाहर बड़ी तादाद में पुलिस आई हुई है। क्योंकि पंजाब में मेरी दानिश में मेरे खिलाफ कोई पर्चा नहीं था तो ये हक है पाकिस्तान के हर शहरी का कि उसको गिरफ़्तार करने से पहले बताया जाए कि आपके ख़िलाफ़ क्या चार्ज है। यूँ सीनियर वकला मेरे साथ मौजूद थे, ख़वातीन वकला भी थी। तो बाहर जब हम निकले तो एक SPCT जो हैं वो आए हुए थे बड़ी जमीयत पुलिस की और हमने उससे पूछा कि जी किस सिलसिले में आए हैं तो उन्होंने बड़े ही तकब्बुर से कहा कि जी चले। और जिसके बाद पुलिस ने हम पे अलगार किया, बाकी सारी बातें आपने कैमरे में देखी। उन्होंने जो है मुझे टाई से खींचा, मुझे कॉलर से खींचा, मेरे गरेबान पे हाथ डाला और फिर ज़बरदस्ती खींचते हुए मुझे उन्होंने पुलिस के डाले में डाला। और फिर वो डाला जो है बम्बई 8-10 गाड़ियां पुलिस की सीधा वहाँ से निकली हैं और जो बिल्डिंग थी चौंग पुलिस स्टेशन जो है वहाँ पे ले गए। एक 1.5 घंटा वहाँ पे मैं बैठा, वहाँ पे उनका रवैया मेरे साथ अच्छा था, चाय पिलाई और जिसके बाद वो मुझे ले गए कोटलकपत जेल। वहाँ जाके मुझे पता चला जब जेल में मुझे अंदर किया कि जी DC लाहौर जो एक खातून है और जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर की रिश्तेदार बताई जाती हैं उन्होंने 3 MPO के तहत मेरी 30 अयाम की नज़रबंदी का आर्डर किया था। यूँ मुझे उन्होंने एक सेल में बंद किया, 8x10 साइज़ का सेल था जिसमें छोटा सा एक ही कोने पे बाथरूम भी बना हुआ था। तो उस रात जब मैं नज़रबंद हुआ तो वहाँ पे न कोई मेट्रेस थी, न कोई तकिया था, न 2 चादरें थी, कंबल ब्लैंकेट वगैरह भी नहीं थे और इनको कहीं नज़र थोड़ा सा खामोश हो जाएं ये। फिर वहाँ पे पहली रात गुजारने के बाद सुबह जो है वो नाश्ता ले आए, चूँकि मैं डायबिटिक हूँ चाय में चीनी थी इसमें मैंने कहा कि मैं चीनी की चाय नहीं पी सकता हूँ तो वो नाश्ता ही ले गए। मैंने मेट्रस शीशा रेजर किताबें और ब्लैंकेट्स तलब किए, तकिया भी, जिस पे ये रुकाम ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और रात हो गई। 4 बजे जो हैं वो मेरे सेल का दरवाज़ा बंद कर देते थे। दूसरी रात गुजरी, मेरी दवाइयाँ 2 टेबलेट्स जो थी 2 अकसाम की वो मेरे जेब में थी जब मैं जेल के अंदर जा रहा था और बदकिस्मती से चूँकि स्मोकिंग भी करता हूँ तो सिगरेट का डब्बे भी था, वो उन्होंने जेल में तलाशी के दौरान मुझसे ले लिया कि जी आपके सेल में पहुंचा दिया जाएगा। वो भी उन्होंने उसी रोज़ और अगले रोज़ भी नहीं पहुंचाया, वो भी मैंने मुतालबा किया क्योंकि मेरी सुबह और शाम की 2 टेबलेट्स थी डायबिटीज़ की वो भी नहीं दी गई। और अगली जो नेक्स्ट डे था मेरा वो सर्दी रात को काफ़ी ज़्यादा पड़ी और बड़ी सर्दी भी महसूस हुई
वो रात भी गुजर गई, तो अगले दिन जो है मैंने फिर उनसे मुतालबा किया, लेकिन जेल हुकाम का जो रवैया था वो कुछ इस तरह था कि जैसे उन्होंने कसदन ही मेरे साथ ये रवैया अपना रखा हो, क्योंकि जो मेरे साथ अटैच सेल था उसमें उन्होंने ड्रग एडिक्ट्स को रखा हुआ था, और वो दोनों रातें उन्होंने मुझे जगाए रखा, कभी आवाज़ें निकालते थे कभी गाते थे बेसुर अंदाज में, और उससे अखज़ ये हो रहा था कि उनको ये टास्क दिया गया था कि ये सोने ना पाए। खैर ये जुकाम जो हैं वो डॉक्टर की सहूलत उन्होंने दी थी, रोज़ाना आके मेरा शुगर लेवल चेक किया करता था, ब्लड प्रेशर चेक करता था। तीसरा दिन जो था उसमें मैंने शिकायत की कि जी ये सर्दी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो एक उन्होंने चादर और फराहम की, वो चादर फिर या तो अब्बा गद्दे पे बैठेगा या अब्बा जो है गद्दे से गिरेगा। अब जमाना बल्ले से भी आगे, कहते हैं ना गल बद गई है, कल बद गई है, उन जड़ा है ना खान जो है ना उसका निशान बल्ला हो या ये हो या ये बल्ब हो या बाल हो पानी का गिलास हो, किसी चीज पे खान हाथ रख दे कि ये मेरा निशान है और ये मेरा उम्मीदवार है बस। अच्छा मुल्ला साहब ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि मरियम नवाज जो हैं वो इसके पीछे थी, तो आप इतने वसूख से कैसे कह रहे हैं कि वो वही हैं? क्या आपको कोई किसी की तरफ से कोई बताया गया है या खुद से कह रहे हैं? सारी धमकियां उनकी तरफ से आती है, सारा दिन जो है ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारे खिलाफ लगे होते, ये सब कुछ आप हमारे खिलाफ मुफ्त में अल्लाह की रजा के लिए हो रहा है, यानी हम क्यों कर हम वहां नहीं जा सकते हैं, पंजाब नहीं जा सकते हैं भाई, क्यों वहां गया क्यों गिरफ्तार हुआ? ये जवाब तो आप अपना ध्यान लड़ाएं ना, सुप्रीम कोर्ट का एक वकील हूं, कन्वेंशन पे गया हूं, लायर जो सबसे पावरफुल एक कम्युनिटी है, आप जाके उनको कहते हैं, आप कहते हैं जी देखिए किसी ने मरियम ने या दूसरे ने मेरे सामने रिकॉर्डिंग तो नहीं दी है क्या जी, ले जाके मीडिया को सुना दें, ये सारी चीजें जो हो रही है यानी कि इत्तेफाक से हो रही है, एक चीज इत्तेफाक में हो जाती है दो हो जाती है, ये सिलसिला है जारी है और ये जारी रहेगा या उस वक्त तक जारी रहेगा, या तो अब्बा गद्दे पे बैठेगा या अब्बा जो है गद्दे से गिरेगा। आपने कहा कि मरियम नवाज सेवा करवा रही हैं, तो ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि तमाम लोग मरियम नवाज की बात सुन रहे हैं और मरियम नवाज की बात सुनी जाती है? मरियम नवाज मौजूदा वक्त में पाकिस्तान की हुक्मरान है, सब इदारे तमाम ताकतें तमाम सूबाई मरकजी हुकूमतें उसकी इशारे पे चल रही है। सर आपने आपके कलम से बेशुमार या सैकड़ों अफराद जेल गए और आप पहली दफा जेल गए, कैसा एक्सपीरियंस? अल्लाह के फजल से मेरे कलम से रिहा हजारों हुए हैं और जेल जो हैं वो शायद दर्जनों के हिसाब से गए होंगे, और एक्सपीरियंस की बात जो है ना ये एक तजर्बा था मेरे लिए लाजिमन जिंदगी में, जब वो सलाखों के पीछे में पड़ा हुआ था और देख रहा था और अपनी माजी पे भी रोशनी डाल रहा था और ये देख रहा था कि भाई जिंदगी ये कहाँ ले आई। आप यकीन करें जेल से निकल आने के बाद सबसे बड़ी चीज़ ये होती वो जेल, आदमी डर जाता था, अब तो पता चला कुछ ही नहीं है, अंदर की आपकी मजबूती होनी चाहिए, आप अंदर से मजबूत हैं, ये पाँच दिन नहीं पाँच साल भी होते मजाल हैं कि मैं उफ तक करता। सर मतलब आपने याद किए थे वो नहीं सुनते अभी? हाँ जी पंजाबी में बुले शाह के शेर आपने प्रेस क्लब में बताया था कि मैंने याद। जी हाँ जी हाँ वो आपको देख के मैं भूल गया हूँ। जैसे कि इससे पहले जितने भी लोग गिरफ्तार हुए हैं और उनको जब बाहर आते रहे दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता रहा, तो कोई बाहर जब आए तो कोई पुलिस वगैरह वहां पे खड़ी थी या दोबारा आपको शुभात है कि दोबारा आपको गिरफ्तार किया? हाँ मैं जब बाहर निकल के आ रहा था तो काफी मतलब खदशात थे और मैं ये सोच रहा था कि या तो इन्होंने केपी पुलिस को बुलाया होगा, या चूंकि वो उस दिन सुबह एसपी ने बयान दिया था हाईकोर्ट में कि पंजाब में इसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है, तीन एमपीओ तो मुक गई तो एफआईआर भी नहीं था, तो मुझे खसा ये था कि कहीं इन्होंने केपी पुलिस को न बुलाया हो, लेकिन हमने ये इंतज़ाम किया था क्योंकि इन्होंने पहली दफ़ा हमारे साथ ज्यादती कर दी थी, हमारे कबीले के बहुत सारे मरवत जो थे वो लाहौर में हज़ारों की तादाद में हैं आए हुए थे
وکلا کی باری جمعیت آئی ہوئی تھی تو لہذا اگر یہ ہاتھ ڈالتے انشاءاللہ پکڑائی نہیں دینی تھی۔ ایک ہی طرف سے سر آپ کی ٹرولنگ کی گئی، آپ کی فوٹو لگا کے، اس کے اوپر ایک فلم تھی میں پنجاب نہیں جاؤں گی وہ لگا کے، تو اس کو سوشل میڈیا پہ پھیلایا گیا تھا، تو یہ نون کی طرف سے لکھ دی لعنت ہو ان پہ۔ مروت صاحب 8 فروری میں کافی ٹائم ہے، اگر آپ کو دوبارہ اریسٹ کیا جاتا ہے یا الیکشن میں ان کا یہ بھی منصوبہ ہو کہ کپتان کے ساتھ مروت صاحب کو بھی اندر رکھنے ہیں جیل کے اندر، تو سر کیا پیغام دیں گے تحریک انصاف کو؟ دیکھیے کوئی پتہ نہیں ہے، آج کر لیں کل کر لیں، ملک میں قانون تو کوئی ہے ہی نہیں، اور رقص جاری ہیں لا قانونیت کا، طوائف الملوکی کا، تو لہذا اس مملکت خداداد میں میں کیا وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جی میں گرفتار نہیں ہوں گا؟ اگر گرفتار ہوتے ہیں، پاکستانیوں کو اللہ نے عقل دی ہے، یہ گرفتار کر کے لوگوں کو پریس کانفرنسوں پہ مجبور کر کے اپنا یشر خراب کر دیا ہے، پورا پاکستان ادھر ہو گیا ہے ہمارے ساتھ، اور ان کے پاس کچھ ککھ بھی نہیں رہا، تو لہذا ککھ پھراتے رہیں۔ انشاءاللہ 8 فروری کو ملک میں عوام ایسے چمیٹے ان گنجوں کے سروں پہ مارے گی کہ انشاءاللہ ان کو بابے کا دودھ یاد آئے گا۔ اعلان کیا ہے؟ نہیں، الارٹ تو پہلے سے ہیں، الارٹ تو پہلے سے ہیں، ابھی تک ہم سے کسی نے لیا نہیں ہے، یہ کوئی ریزرو سیمبل نہیں ہے، آلریڈی پی ٹی آئی رجسٹرڈ پارٹی ہے، اور اس کا جو پولیٹیکل سیمبل ہیں، پارٹی سیمبل، وہ بیٹھے، تو لہذا۔ اور اگر ایک بات میں بتا دوں،